हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू व्लॉग। माता रानी आप सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे और आप सब की मनोकामना पूर्ण करें। तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ पूजा की। आज है डे टू नवरात्रि का और मैंने यहाँ पे बस दिया वगैरह साफ किया है और मंदिर मतलब बेसिकली मैं साफ कर रही हूँ, पुराने फूल वगैरह थाल में से हटा रही हूँ सारे। और आज मैंने थोड़ा ना मतलब मैं तैयार वगैरह नहीं हुई क्योंकि मेरी ना थोड़ी तबीयत डाउन हो रही थी, ऐसे ही मुझे बहुत लो फील हो रहा था। तो मैंने सोचा ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते हैं, अपना नॉर्मल पहले पूजा निपटा लेते हैं, अगर दिन भर में हिम्मत होगी तो बाकी चीज़ें अपना देखेंगे, तैयार वैयार होंगे, अदरवाइज़ ऐसे ही ठीक है। तो बस मैंने थाल क्लीन करने के बाद फूल वूल सजा लिए थे थाल में और मैं डेली फूल चेंज करती हूँ। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि मैं ना जैसे पूजा जब मैं करती हूँ तो मैं कथा पूरी पढ़ती हूँ। जैसे नॉर्मली मैंने सुना है काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ एक एक कथा पढ़ते जाते हैं, 9 दिन अलग अलग पूरी करते हैं, बट पता नहीं क्यों शुरू से ही मेरी आदत है, मैं पूरी कथा डेली पढ़ती ही हूँ मॉर्निंग में सुबह, और शाम में मैं सिर्फ 40 आरती और अंबे माँ की आरती ये मैं पढ़ती हूँ। अदरवाइज़ मॉर्निंग में तो मैं पूरी कथा अपना 1.5-2 घंटे लगा के पूरी मैं कथा 40 सब कुछ पढ़ती हूँ, अपना प्रॉपर एक टाइम मैं देती हूँ। तो बस यहाँ पे फूल वगैरह लगाने के बाद दिया वगैरह मैंने बना लिया था, सामग्री मैंने रखी है और घी मैंने रखा है हवन के लिए। सो सामग्री मैं नॉर्मल सिर्फ मार्केट वाली यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब उसी में मैं और भी चीज़ें मिक्स करती हूँ घर लाने के बाद, जौ, काले तिल, इलायची और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, मतलब घी, शहद, बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं मिक्स करती हूँ। अगर आपको जानना हो तो कमेंट करना, मैं आपको बता दूँगी, तब जाके ये सामग्री बनती है और इस सामग्री से फिर मैं हवन करती हूँ और मैं उपला रख के तब फिर मैं हवन करती हूँ, ऐसे नॉर्मल हवन नहीं करती। तो जब भी मैं फास्ट रखती हूँ तो मैं प्रॉपर ये नियम तो फॉलो करती ही करती हूँ, अदरवाइज़ मैं फ़ास्ट नहीं रखती हूँ। अगर मुझे पता है मैं ये नियम नहीं फॉलो कर पाऊँगी तो मैं फ़ास्ट नहीं करती हूँ। उसके बाद मैंने बस दिया तैयार कर लिया था और अगरबत्ती लगा दी थी, दिया जला दिया था, पूजा की तैयारी मैंने शुरू कर ली थी यहाँ पे और उसके बाद अपनी पूजा कंप्लीट की है। और ये ना एक ऐसा मतलब रूटीन बन गया है कि अगर मैं इस तरीके से पूजा ना करूँ तो मुझे ना संतुष्टि नहीं मिलती अंदर से, तो मुझे चाहिए वो पूरा प्रॉपर टाइम दे के तसल्ली से पूजा करके तब जाके मुझे ऐसे सुकून फील होता है कि मैंने कुछ किया है पूजा बैठ के ना। तो मतलब हाँ, मैं शायद शुरू से ऐसी हूँ कि जब मैं नहीं करती हूँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ और जब मैं करती हूँ तो फिर मैं तसल्ली से बैठ के अपना पूरा टाइम मैं अच्छे से देती हूँ। और बस यहाँ पे मैंने हवन की तैयारी शुरू कर दी थी और हवन तो आई थिंक ज़्यादातर लोग करते ही करते हैं, आप कमेंट करना आप करते हैं कि नहीं करते हैं जब भी आप फास्ट रखते हैं। तो मैंने क्योंकि 9 पूरे रखे हैं तो प्रॉपर तरीके से मैंने हर चीज़ यहाँ पर की है। और मैं हवन में हमेशा सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले 2 लौंग का जोड़ा ज़रूर डालती हूँ। आई डोंट नो आप लोगों को पता है कि नहीं, जब भी आप हवन स्टार्ट करें तो 2 लौंग मतलब कि एक जोड़ा, सिंगल नहीं, एक जोड़ा बना के लौंग का सबसे पहले हवन में डालें, उसके बाद आप कोई और चीज़ हवन में डालें। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है डे 2 नवरात्रि का। बेसिकली आज थोड़ी सी हिम्मत मेरी नहीं थी, आज थोड़ा मैंने ऐसे ही पूजा किया है, मेरी हिम्मत नहीं थी उतनी, जवाब देगी थी हिम्मत थोड़ी, क्योंकि कल ना 2 दिन से बल्कि मैं उठ रही हूँ, उसका रीज़न है शशि और शशि की बेटी। सो 2 दिन से वो लोग नींद ख़राब कर रहे हैं, एक बार तो अनवी ने उठाया, ऐसे ही सुबह सुबह सबको उठा दिया उसने वीडियो कॉल कर करके, और जो नहीं पिक कर रहा था किए जा रही थी, बहुत नींद डिस्टर्ब की उसने। एंड फिर कल परसों एक्चुअली शशि ने उठाया, उसको कुछ काम था और 3:30 बजे रात में उसका कॉल आया, तो दोनों माँ बेटियों ने नींद बर्बाद कर रखी है तो उसकी वजह से, और दिन में मुझे नींद आ नहीं रही है, मैं सो भी नहीं रही हूँ, इतना टाइम भी नहीं मिल पा रहा, तो उसकी वजह से थोड़ी सी आज बॉडी में एनर्जी कम थी। तो मैंने सोचा नॉर्मल पूजा अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, तैयार वैयार नहीं होंगे आज, और आज मुझे कहीं जाना भी है, मतलब ऑफिस वगैरह का भी कुछ काम है वो ख़त्म करना है, तो मैंने कहा दादा इधर उधर नहीं करते हैं, चीज़ें सिंपल रखते हैं।
तो मेरी पूजा अभी हो चुकी है ख़त्म, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे पूजा हो चुकी है मेरी ख़त्म, और ये भी ना ठंडा हो रहा है अंगारी ना, तो इसलिए मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ, अभी ये ठंडा हो जाए तब उसके बाद मैं रखूँगी इसको। और बस पूजा वूजा तो मैंने ख़त्म कर ली, अब एक्चुअली मुझे चाय पीनी है, चाय बना रहा है चेतन। अभी मैंने चेतन को बोला चाय बनाने के लिए, अभी चेतन चाय वाले नया स्टॉल खोला है अपने चाय का, अदरक वाली चाय 4500 रुपये की। 4500 रुपये की मेरे पास नहीं है 4500 रुपये, बाकी आदमियों से। अच्छा बाकी आदमियों से, मेरे से नहीं लेगा, बाकी आदमियों से पैसे लेगा। मेरे हाथ की चाय पियोगे ऐसी तो नहीं मिलेगी, 4500 रुपये में मिलती है चाय। 4500 ही क्यों, आपने डिसाइड किया चाय का प्राइस? डिस्काउंट नहीं, वैसे तो मैं 8000-9000 की बेचता हूँ, फिलहाल बिग बिलियन डे सेल चल रही है। बिग बिलियन डे सेल चल रही है इसलिए इतनी सस्ती है, सही बात है। 4500 रुपये भाई, तुम अभी एक बार बताओ, अगर तुम सपोज करो किसी सेलिब्रिटी तुम्हें कोई चाय बना के खिलाएगा तो 200 रुपये की किस पड़ेगी क्या है चाय पत्ती। तो आज मैं करने वाली हूँ चेतन का पीछा, और देखने वाली हूँ चेतन का रूटीन क्या 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 करता है चेतन, ठीक है? मत दिखा रूटीन, लोग सो शर्म आ जाएगी। शर्म आ जाएगी लोगों को या तेरे को? जब बीवी अगर सुबह से उठ के झाड़ू पोछा कर रही है, पूजा कर रही है, तुम थोड़ा सा काम नहीं कर सकते? अरे अभी वो गंगा जल छिड़का था भाई साहब, तो गंगा जल से एयरपोर्ट का नाश कर देगी। एयरपोर्ट पे थोड़ी छिड़का है, तो आ गया दीवारों पे छिड़का था, दीवारों पे शुद्ध हो जाओगे, शुद्ध एयरपोर्ट ही नाश हो जाएगा, एयरपोर्ट भी शुद्ध हो जाएंगे। हाय भाई साहब, वोनी हाय वोनी, नूनी कहाँ घूम रहा है नूनी? वाह टांग टूटी पड़ी है लेकिन मानता नहीं है, देख अब रख भी नहीं रहा ना, देख इससे चला नहीं जा रहा, इसके पैर में दर्द हो रहा है, मोच वोच आई होगी। और लेकिन अगर बोल दो ना मैक्स पार्क चलना है, पार्क चले, नींद में लेकिन अभी भी पार्क जाने के लिए रेडी हो जाएगा। अब ब्रूनो तो सबसे पहले, ब्रूनो तो सबसे पहले जाएगा। यार कहीं तो जाओगे, जाने तो दो। मैक्स पार्क जा रहे हैं, पार्क जा रहे हैं सब, वही जा रहा बैठ जा, बैठने तो तेरे का मान है नहीं। टीका लगा के कितना अच्छा लग रहा है, लाल टीका तेरे पे काला महाकाल, तो काला है चढ़ा, क्या काला काला क्या है दीदी, कितना बुरा है, पागल है ये, गुरु बेबुद्धि है ये। मैक्स अच्छा कौन सा है तुम दोनों में से, ब्रूनो अच्छा है कि तू अच्छा है? ब्रूनो तो अच्छा है नहीं है, खुद को भी नहीं तो अच्छा है लेट है क्या क्या, दोनों तेरे को जवाब नहीं देंगे, इनका टीम अप है पता है, जब माँ बाप किसी एक बच्चे को कुछ करते हैं ना दोनों बच्चे मिलके, तू अच्छा ब्रूनो बोल, अब इससे पूछ मैक्स अच्छा है, मैक्स अच्छा है, पार्क चलेगा, बिस्किट खाएगा, बिस्किट लेगा, मीठा खाएगा, मीठा कुछ आलू खाएगा, आलू मीठा चिकन, इतने किस बात पे हाथ करेगा। अच्छा ठीक है, ब्रूनो पागल है, मैक्स पागल है, मीठा बिस्किट, ओ बिस्किट बिस्किट चाहिए ना उन्हीं को, बिस्किट बिस्किट लालची और किस पे आप करियो, ब्रूनो ब्रूनो मैक्स पागल है, ब्रूनो पागल है, बिस्किट बिस्किट खाएगा, तो दया देते तो हो ना दो बार है तो गाइज अभी बज चुके हैं 6, शाम हो चुकी है, और मैं दिन भर से निपटा रही थी अपने काम, मतलब जहाँ जहाँ के भी थे, बाहर वाले भी घर वाले भी, सारे काम निपटा दिए, एडिटिंग कर दी, व्लॉग भी पोस्ट कर दिया,
इंस्टाग्राम का मैंने अपना बनाया है एक न्यू अकाउंट, क्योंकि मेरे पुराने अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो ठीक हो जाए, बट वो नहीं हो पा रही है। तो फाइनली मुझे एक नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना पड़ा। पुराने वाला पता नहीं मैं रखूँगी या डिलीट कर दूँगी, अभी नहीं पता है, अभी नहीं सोचा है मैंने। अभी फ़िलहाल नया अकाउंट मैंने बना लिया है, इट्स अनीता मलिक। तो आप जाके मुझे फटाफट वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, और जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं उनको भी मैंने पोस्ट मैं अभी डालने वाली हूँ, उनको भी बताने वाली हूँ कि जाके न्यू अकाउंट पे आप फॉलो कर लीजिए। पुराना अकाउंट शायद मैं रखूँ, शायद डिलीट कर दूँ, अभी कुछ मैंने सोचा नहीं है। बट या फाइनली ऑफिशियली एक नया अकाउंट मैंने क्रिएट कर लिया है, लेकिन मैंने सोचा है मैं उस पर पोस्ट वगैरह नहीं डालूंगी, सिर्फ और सिर्फ रील्स उस पर पोस्ट करूंगी। मतलब पोस्ट इन द सेंस कि किसी भी तरीके की पोस्ट नहीं डालूंगी, रील्स सिर्फ उस पर पोस्ट करूंगी, बाकी देखते हैं कैसा जाता है। अभी सिर्फ सोचा है, देखते हैं। तो या अभी मैं करने लगी हूँ, खाने के लिए कुछ बनाने लगी हूँ, भोग का बेसिकली प्रसाद बनाने लगी हूँ। आज मैंने सोचा है, मतलब पहले सोचा था कि नॉर्मल आलू उबाल लेती हूँ, दही के साथ खा लेती हूँ। आज थोड़ा डाउन फील हो रहा है मुझे सुबह से ही, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर एक टाइम भी आप ठीक से खाओगे नहीं तो प्रॉपर डाउन फील होगा, फिर तो और तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो अभी मैं बना रही हूँ कुट्टू के आटे की पूड़ी या पराठा, कुछ ऐसा मैं सोच रहा हूँ बनाने के लिए, देखते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए, एक बार आलू उबल जाए उसके बाद सोचता हूँ क्या बनाना है। ये कितनी ठंडी हवा चल रही है, जब यही इतनी ठंडी हवा लग रही पहाड़ों में जाके क्या करेगा? अभी तो जाएंगे 23 तारीख को, 24 को क्या है, 23-24 को? 23-24 में देखते हैं दशहरे का भी। अच्छा, तो जाते हैं तुंगनाथ महादेव के दर्शन करते हैं। वहां से आगे एक बहुत बढ़िया जगह है, उसको बोलते हैं धारचूला। वो मतलब उत्तराखंड का लद्दाख के जैसा मानता है, मतलब वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि ये लद्दाख के जैसा है। लेकिन वहाँ पे जो जोशी मठ के SDM हैं उनकी परमिशन लगती है, फिर आर्मी की परमिशन, जो इंडो तिब्बत बॉर्डर की पुलिस है उसकी परमिशन लगती है, दो लोगों के फोन पे साइन होते हैं तब जाके आप जाते हो। इतना तगड़ा रास्ता है इतना टफ रोड है वो, इसलिए आपको जाने नहीं। ठीक है, हम लोग अब तक उत्तराखंड प्रॉपर ऊपर तक नहीं गए, हम ऋषिकेश तक शायद लास्ट गए, और ये वाली राइड हो सकता है हम बाइक से ही करें। तो मेरा मन है जाने का, क्योंकि मैंने उत्तराखंड साइड अभी तक मैं गई, और ये राइड हिमालयन से करने में ज्यादा। भाई इतनी ठंडी हवा चल रही है यहीं पे, मैं सोच रहा हूँ पहाड़ में तो क्या हाल होगा इस टाइम पे, बर्फ पड़ी हुई है। नहीं, क्या हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये, हेलो। वैसे यहाँ पे मैंने बनाए थे कुट्टू के आटे के पराठे, और इसमें मैंने क्या किया था ना कि कुट्टू के आटे में उबले हुए आलू मिलाए थे, और उबले हुए आलूओं से ही आटा गूंदा था। इसमें पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, आलू ही मैश करते जाओ और ये फिर आटे की फॉर्म ले लेगा पूरा, मतलब जैसे गूंज जाता ना आटा वैसे गूंज जाएगा। और साथ में मैंने बनाई थी आलू की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी। उसके बाद बस पराठे की तरह बेल के इसको और तवे पे घी लगा के सेक लो, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है, और साथ में बहुत ही सॉफ्ट भी बनता है। खाने में ना बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आप कुट्टू के आटे का मतलब टाइट मतलब आटे का कुछ खा रहे हो, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट पराठा टाइप बनता है, और टेस्टी भी बहुत लगता है। तो बस इसको घी लगा के पराठे को सेक लिया था, और बहुत ही टेस्टी लगा था, मतलब खाना खाने में ना मज़ा आ गया था। सो गाइस, खाना वाना खा लिया, और थोड़ा सा ज़्यादा ही खा लिया, कुट्टू का आटा ना थोड़ा हैवी हो जाता है, बट बहुत टेस्टी लगा सच में। मैं व्रत का प्रसाद जब बनाओ ना, चाहे मुझे हिसाब नहीं पता था, मैंने पहली बार बनाया है ये, लेकिन कभी भी बनाओ हिसाब इधर उधर होता ही नहीं है, मतलब टेस्टी ही बनता है प्रसाद। चेतन को भी बहुत पसंद आया, नॉर्मली चेतन बड़े नखरे करता है, बट चेतन ने चुपचाप सब कुछ खा लिया, बल्कि उल्टा उसको अच्छा लगा। ऊपर आई हुई हूँ थोड़ा टहलने के लिए, और इतनी ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है कि यहीं बर्फ़ गिरी हो, बहुत ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है, मतलब एंजॉय कर रही हूँ मैं तो बहुत। तो ये तो यहाँ ब्रूनो लेटा हुआ है टेढ़ा होकर, देख रहे हो कैसे मुड़ के लेटता है ये, और ये यहाँ अपनी बॉल लेके पड़ा हुआ है। और क्योंकि ठंडा मौसम है ना, तो इस भाई साहब को ऊपर आके बड़ा मज़ा आता है ना। ये ना गाइस, हमारे यहाँ पे मंदिर है, और मंदिर के ऊपर ही जस्ट ये पेड़ है, और इसको ना इतना सुंदर सजा देते हैं, ये पेड़ भी इतना सुंदर लगता है, मंदिर भी। मैं एक बार ऊपर चढ़ के दिखाती हूँ आपको। तो ये बेसिकली मंदिर है,
और ये सामने से तो और सुंदर लगता है, ये शिव मंदिर है और इसके ऊपर जो ये पेड़ है ना, इतना सुंदर सजाते हैं इसको। जैसे ही मैं ऊपर आई हूँ बारिश शुरू हो गई हल्की हल्की।